हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट, मैं हूं राजू गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं सीधी जिले के सियावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोखरा, जहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही है, आपकी सरकार आपके द्वार। इसी के अंतर्गत में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल यहाँ पर पोखरा ग्राम में कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। प्रशासनिक अमला सब मौजूद है और हम अभी आगे आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे जनताओं के लिए जो जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनकी योजनाओं का लाभ उनको घर तक पहुँचाने की एक योजना है कमलनाथ सरकार की, उनका पालन उनके मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको साफ तौर पर नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल जो आप देख रहे हैं, ये जंगल होते हुए ये रोड निकल जाती है ये ग्राम पोखरा की ओर। जो पोखरा बेहद ही जंगली इलाका कहलाया जाता है, पूरी जंगली इलाका है। आप देख सकते हैं इधर इधर भी देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो ज़मीन होगी किसानों की, तो उन्होंने खेती करने के लिए अपना बनाया हुआ है जगह। और पानी की सुविधा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ की पानी की सुविधा तो कुछ नहीं होगी, पहाड़ ही मुझे चारों तरफ दिख रहे हैं। और ये थोड़ी बहुत खेती किसानी अपना कर लेते हैं, खेती किसानी के आधार पर रहते हैं। हम आपको आगे का भी नज़ारा दिखाएंगे और आगे का भी आपको दिखाएंगे कि जो योजनाएँ के लिए चलाया जा रहा है आपका सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार तक, उसका वास्तविक में ज़मीनी स्तर क्या है और ज़मीनी स्तर में वास्तविकता में उनको हितग्राहियों को लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ये देखने का विषय होगा। और जाकर हम पूरी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। कुछ देर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी पहुँचेंगे और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें ग्राम पंचायत पोखरा को ही क्यों चुना अपनी पहली चरण पर। तो बने रहे हमारे साथ, अभी हम कुछ ही देर में पहुँचेंगे ग्राम पोखरा। जैसा हमने कहा था कि अब ग्राम पोखरा पहुंचेंगे, पोखरा पहुंचने के बाद हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरामैन से कहूँ, यहाँ पर जनपद पंचायत सिहावल आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन का एक बोर्ड लगा हुआ है। अभी कुछ ही देर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, आपकी सरकार आपके द्वार पर। एक गौर करने वाली बात मैं आपको बताऊँगा, यहाँ की कुल आबादी 3609 कुल आबादी यहाँ पर है। कुबरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये, बहरी से 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये, सियावल मुख्यालय यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। साथ ही मैं आपको बताता चलूँगा, यहाँ से सीधी मुख्यालय 32 किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी मैंने आपको बताया 3609 कुल आबादी है। हमारे साथ यहाँ पे सचिव जुड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर टोटल कुल जाति समीकरण से कितनी आबादियाँ हैं। बताइए सर, आपका शुभ नाम पहले बताएँ। हमारा नाम हीरा लाल सिंह जी। ये ग्राम पंचायत की कुल आबादी कितनी है? यहाँ है 3609 जी। और जाति समीकरण में कितनी आबादी है? जाति समीकरण में है सर, इसमें अनुसूचित जात 632, जन अनुसूचित जनजात 2133, अन्य पिछड़ा वर्ग 781, अन्य सामान्य वर्ग 63, कुल जनसंख्या 3609। 3609 जी। यहाँ पर सुविधाएं के नाम पर क्या क्या चीज़, जैसे मैं साफ तौर पे देख रहा हूँ यहाँ पे चारों ओर मुझे घने जंगल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं जी। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जी। यहाँ पे सुविधाएं के नाम पर क्या क्या चीज़ है? यहाँ पर स्कूल भवन है, अस्पताल है सर, और स्वास्थ्य विभाग के भवन है। अस्पतालों में डॉक्टर की टीम क्या बैठती है? कभी कभी बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं। अब देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है, सब कुछ यहाँ पे ग्रामीण भी जुड़े हैं, मैं ग्रामीण से भी जानने का प्रयास करूँगा कि जमीनी वास्तविक हकीकत क्या है और क्या नज़ारा निकल कर आता है। आपका शुभ नाम भाई साहब? रोशन सिंह जी। क्या बताना चाहते हैं आप? सर, अस्पताल हैं यहाँ पर, अस्पताल में डॉक्टर बैठते नहीं कभी। कई बार हम लोगों ने निवेदन किया, अर्जी दिया, कभी कभी ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो आ जाते हैं, इसके बाद फिर से गुम हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बीमार अगर हो जाता है, कंडीशन खराब हो जाती है, तो स्थिति में आप लोग कहाँ से लेंगे? 15 किलोमीटर यहाँ झोला छाप डॉक्टर हैं जी, तो उनसे दवा कराएं या तो फिर सीधी जाना होगा। सीधी यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ जाते होंगे? 30 से 32 किलोमीटर होगी सर। यहाँ से सियावल मुख्यालय उससे भी ज़्यादा होगा, 52 किलोमीटर जी, जैसा बता रहे हैं 52 किलोमीटर है। बहरी में भी तो हॉस्पिटल है, क्या वहाँ डॉक्टर बैठते हैं? बाहरी तो हम लोग जाते नहीं, फिर यदि यहाँ से नहीं हुआ काम तो सीधी ही जाते हैं। जैसे अब ये है कि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक योजना चल रही है आपकी सरकार आपके द्वार, जिसके तहत में पूरा प्रशासनिक अमला आपके गांव में आकर बैठा हुआ है। क्या आपको लगता है कि योजना चलाने के बाद में हितग्राहियों को लाभ मिल पाएगा? जरूर मिलेगा सर, मिलेगा मिलेगा जी। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सुखलाल प्रजापत जी। क्या है आपकी गाँव की कुछ समस्या बताएंगे आप? जी सर, हमारे गाँव की समस्या सही है फिर गलत है। जैसे बराबर कोई कार्य करते हैं, दे देते हैं, वो ठीक रहता है प्रभारी ठीक ना, लेकिन बराबर काम नहीं होता सर। मतलब ये सब क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताएं? खुल के बताएं, जो कुछ योजना आती है सर, नाम सुनने पाते हैं, पाते नहीं हम लोग कोई। मतलब जो योजना आती है वो वास्तविकता में हितग्राहियों को नहीं मिलती? नहीं मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं सर कहाँ से क्या हो जाता है। अब हम लोग तो मन यार नक्षर अक्षर हैं, जानकारी नहीं है, लिखा लेख जानते नहीं है ठीक ना। योजना आती है लेकिन मिलती नहीं है बराबर। साफ तौर पे इनका कहना है कि कई योजनाएं आती हैं जो हितग्राहियों के नाम पर आती है, हितग्राहियों को नहीं मिल पाती है। और भी हमारे साथ में ग्रामीण जुड़े हुए हैं, नवयुवक जुड़े हुए हैं, हमसे पूछें। इसी गांव के हैं आप? इसी गांव, आप किसी गांव के हैं दादा? नहीं है। देखिए हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्थिति क्या रहती है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी आएंगे और योजनाओं का भी क्रियान्वयन होगा, कई योजनाएं होंगी। आज पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आप किसी भी दूर दूर तक आप देख सकते हैं, गाड़ियों का नज़ारा देख सकते हैं, दूर दूर तक आप सारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरी मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज लग रहा है कि वाकई पोखरा में कुछ ना कुछ कार्यक्रम शासकीय हो रहा है। तो बने रहें हमारे साथ लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और देखते रहें आपका मन पसंदीदा न्यूज़ नेटवर्क पोल खोल पोस्ट। आप हमें ही बताइए, आप नहीं अभी आप लोग बैठ जाओ। आवेदन का उत्तर हम सब विकास अधिकारी कोई है? आपको कैसा लग रहा है? एसी ड्राइवर, एसी ड्राइवर पांडे, एसी ड्राइवर, एसी ड्राइवर और सीएमएचओ कहाँ है? पति मैं आप लोगों को आप सभी बैठिए, आपके आवेदन जा चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे पूछ रहा हूँ, पीएचसी में कौन यह ठीक कराइए? रोजो टोला का ये जो है ये ठीक होना चाहिए आपका। आपकी आपका जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर आप अपना आवेदन दें, विभाग उस आवेदन पत्र पर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह जितने भी आवेदन पत्र यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ मंच में आएंगे और प्रत्येक आवेदन पत्र पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के उपरांत मंच पर आकर यहाँ पर सभी किसान बंधु को आप बता ये ग्राम पंचायत के सरपंच जी, व्यक्ति साहब, सीएफओ साहब, एडीएम साहब, समस्त अधिकारी, समस्त पत्रकार जहाँ भी जाएगा तो इस कार्यक्रम में सभी अधिकारी सवाल तीन से चार आवेदन में क्या किया गया है और अगर किसी आवेदन में निचले अधिकारियों के द्वारा कोई ऐसी बात कही गई है जो योग्य नहीं है
तो उसका निराकरण कलेक्टर के द्वारा और माननीय मंत्री जी उपस्थित है तो उनके द्वारा उसको किया जाएगा। अब एसडीएम और तहसीलदार माइक ले लें वहां पे, ये माइक मौसम सभी जो है वो उसका नाम बताते जाइए, उनको बना दी गई है रघुवीर पनिका आपकी भी। उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो। दूसरा, छोटे छोटे काम के लिए हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं या किसी भी जात बिरादरी के किसी भी धर्म के लोग हैं, उनको ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। हमारी सरकार में बैठे हुए मंत्री मिनिस्टर से लेकर जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारी स्वयं मौके पर जाके त्वरित सेम डे निराकरण करें, इसके लिए हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई है। जो हम समझते हैं कि जिस तरह से एक तारीख से शुरू हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। जैसा कि आज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के पोखरा गाँव में इसका आयोजन था, उसमें से 450 जो आवेदन मिले थे उसमें 283 लोगों का त्वरित निदान सेम समय में आज ही हो गया और बचे हुए जो आवेदन का है वो एक सप्ताह के अंदर निराकरण करके हमारे अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था बनाएंगे। भ्रष्टाचार को किस नजरिए पे देखते हैं, भ्रष्टाचार कहाँ पाते हैं? देखिए, कई बार और खासकर पिछले 15 वर्षों में भ्रष्टाचार तो काफ़ी चरम सीमा पे रहा है और छोटे छोटे काम के लिए हमारे गरीब किसान मजदूर बरसाना नामंत्रण से लेके और अपने हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए भटकते रहते थे, उनका सही समय पे निराकरण नहीं होता था, चक्कर लगाते रहते थे ऑफिसों का और सेवा सलाम तो हो जाता था पर रिजल्ट कुछ नहीं निकलता था। इसलिए हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है। क्या मानिए, ये योजना, इस योजना से जरूर 100% कंट्रोल लगेगा और अधिकारी कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और लोगों को त्वरित निदान मिलेगा। धन्यवाद। आपकी सरकार की जो स्कीम है ग्राम पोखरा को ही क्यों चुना गया पहला चरण? देखिए, ये आदिवासी बहुल गांव है और हम समझते हैं जहां सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं वहीं से शुरुआत होनी चाहिए और ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार की ये असली मानसिकता है और हमेशा से गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है और उनके लिए काम किया है, इसलिए यहां से शुरुआत हुई है। पर कोई भी गांव, कोई भी इलाका वंचित नहीं रहेगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये हमारी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलता रहेगा। कर्मचारियों को सरकार ने नियमित करने का काम किया है लेकिन रोजगार सहायक उससे अभी छूटा नहीं रहेगा। वचन पत्र में जो भी बिंदु शामिल है उसका एक एक करके हम लोग निराकरण करेंगे। राज खोलें, अभी राज को राज रहने दीजिए, राज खुल गया तो फिर इसलिए अभी दो आए हैं, आगे अभी लंबी फेहरिस्त है, उसको चलने दीजिए। जो भी लोग, जो भी माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मों से, उनके सिद्धांतों से, उनके झूठे वादों से जो लोग परेशान हो गए हैं, उनके कामों से जो लोग परेशान हो गए हैं, वो अपने आप एक एक करके आते रहेंगे और ये सरकार 5 साल नहीं, आगे और 15 साल चलने वाली है, इसकी चिंता नहीं आएंगे। पूरे प्रदेश की बात हो रही है, बिंद से शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है, जो भी शुरुआत हुई है वो स्वागत योग्य है। मंत्री जी, एक बार स्कूली बच्चे आते हैं? नहीं, आज कोई भी स्कूल के बच्चे हमको दिख। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पोल खोल पोस्ट के सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अखबारों में छपी बड़ी खबरों पर होगी चाय पर चर्चा, हम करेंगे अखबारों का विश्लेषण, हो जाइए तैयार सुबह सवेरे चाय पर। धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी।